अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, तो इसको ज़रूर मुकम्मल देखनी है आपने और स्किप नहीं करना। तो हम बात करेंगे कि इंडिया के वो कौन से मुसलमान प्लेयर हैं जो इंडिया की क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। तो पहले बात करते हैं मोहम्मद इरफान की, जिनकी उम्र 39 साल है। ये 27 अक्टूबर 1984 में इन्होंने पैदा हुए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, और ये 61 साल इनकी उम्र है और ये 8 फरवरी 1963 को पैदा हुए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है मोहम्मद शमी, जिनकी एज 33 साल है और ये 3 सितंबर 1990 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं वज़ीर अली, और उसके बाद आते हैं यूसुफ पठान, और इनकी उम्र 41 साल है और ये 17 नंबर 1982 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद कैफ, और जो 2000 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया। और उसके बाद आते हैं खलील अहमद, इनकी एज 26 साल है और ये 5 दिसंबर 1997 को पैदा हुए। और उसके बाद हैं वसीम जाफ़र, इनकी एज 46 साल है और ये 16 फरवरी 1978 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं स्विंग के सुल्तान ज़हीर ख़ान, इनकी उम्र 45 साल है और ये 7 अक्टूबर 1978 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं अली बखरवाला, और उसके बाद आते हैं अरशद अयूब, जिनकी उम्र 65 साल है, ये 2 अगस्त 1958 को पैदा हुए। उसके बाद आते हैं किरमानी, ये 74 साल इनकी उम्र है और ये 29 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं मुनाफ पटेल, जिनकी एज 40 साल है, ये 12 जुलाई 1983 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं सैयद सबा करीम, जिनकी उम्र 56 साल है और ये 14 नवंबर 1967 को पैदा हुए। और इनका ताल्लुक भी इंडिया से है और ये भी इंडिया क्रिकेट टीम से खेल चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इंफॉर्मेशन। आप लोग को पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।